बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पैरासाइटोलॉजी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर 70 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं फॉर पैरासाइटोलॉजी। ओके, तो पैरासाइटोलॉजी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिक है, ये डिजेंट्री और हाइपोकॉन्ड्रियल पेन करवा देता है। पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि पैरासाइटोलॉजी के अंदर कौन कौन से चैप्टर होते हैं। पैरासाइटोलॉजी के अंदर सबसे पहला चैप्टर है, वैसे चैप्टर कह नहीं सकते, वो जनरल पैरासाइटोलॉजी का बेसिक ओवरव्यू दिया हुआ है। इसके बाद जो स्पेशल पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट होती है वो इंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, गियार्डिया, लैमेलिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम ये पढ़ना है। यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ के अंदर एक एग्जाम्पल आती है, उस एग्जाम्पल का नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ के अंदर 5-6 आ जाते हैं, लाइक टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी होता है, मलेरिया को कराने वाला प्लाज्मोडियम होता है, लिशमेनियासिस वाला भी आ जाएगा, लिशमेनिया डोनोवा नहीं है, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा, ओके, और कुछ हद तक नेमोसिस्टस भी आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है माइनर वाला, वो आपने नहीं करना। सिस्टोड वाले चैप्टर के अंदर 3 मेजर आ जाते हैं, टीनिया सोलियम, इकाइनोकोकस ग्लैनुलेसिस एंड द टाइफाइलोबोथ्रियम लैटम। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसका नाम है ट्रीमाटोड। ट्रीमाटोड वाले चैप्टर के अंदर शिस्टोसोमा आता है, क्लोनोर के साथ है, पैराकोनिमास आता है। फिर लास्ट वाले चैप्टर के अंदर नेमाटोड है, नेमाटोड वाले चैप्टर के अंदर इंटेस्टिनल और टिश्यू है। इंटेस्टिनल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वह स्कैरिस है, हुकवाम है और स्ट्रैंगोलाइट्स है, जबकि टिश्यू के अंदर वो चेरिया बैंक्रॉफ्टी तैयार कर लेना और लोवा लोवा तैयार कर लेना। पहला है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ब्लडी डायरिया करवाता है, जिसको डिजेंट्री बोलते हैं, और हिपैटिक एब्सेस करवा देगा। हिपैटिक एब्सेस की वजह से राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन देखने को मिलता है। सैंड फ्लाई वैक्टर होती है, वैक्टर ये कुछ ऐसे ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट कराते हैं, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसके अलावा कुछ ना कुछ लाइफ साइकिल भी इनके अंदर हो सकती है, तो ये इंटरमीडिएट होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट भी बन जाते हैं। यानी इन केस के जो लेशमेनिया डोनोवानी है, इसका जो वैक्टर होता है वह सैंड फ्लाई होता है, ठीक है। ट्राइचूरस ट्राइच्यूरा ये रेक्टल प्रोलैप्स वगैरह के केस में देखने को मिलता है, तो रट्टा मार लेना रेक्टल प्रोलैप्स और ट्राइचूरस ट्राइच्यूरा, ठीक है, ओके। इसके बाद टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम की वजह से सिस्टी सर्कोसिस हो सकता है, टीनिया सोलियम की वजह से और सिस्टी सर्कोसिस के अलावा जो टीनियासिस भी हो सकता है। शिस्टोसोमा हिमाटोबियम, इसके लार्ज लैटरल स्पाइन होते हैं, जैपोनिकम के स्मॉल लैटरल स्पाइन होते हैं, जबकि जो टर्मिनल स्पाइन होते हैं वो तीसरे वाले के होते हैं, ठीक है, ओके। आई थिंक इन्होंने गलत लिख दिया, शिस्टोसोमा मैनसोनी है, उसके लार्ज लैटरल स्पाइन होते हैं, बट स्मॉल लैटरल स्पाइन है जैपोनिकम और लास्ट टाइम हिमाटोबियम जिसका टर्मिनल स्पाइन होता है, तो भी इसको करेक्ट कर लेना, सॉरी फॉर डैट। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एनसेफलाइटिस करवाता है, कोरियो रेटिनाइटिस करवा सकता है, इसको रट्टा मार लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कोरियो रेटिनाइटिस, जिस तरह साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस करवा सकता था। फूल स्मेलिंग डायरिया गियार्डिया लैमेलिया के केस में देखने को मिलता है, अगर फ्लैश शेप अल्सर है तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की तरफ जाना है, ओके। लीवर और लंग्स की एब्सेस है तो आपने इसके जो दूसरी स्पीशी है एंटामीबा कोलाई, इनको भी आपने याद कर लेना है। जो ट्राइपैनोसोमा है इसको ट्रांसमिट कराने वाली सी सी फ्लाई होती है और वो स्लीपिंग सिकनेस करवा सकती है। इसके दो डिजीज होते हैं, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस जिसको शगास डिजीज बोलते हैं, ओके, और जो दूसरा है हमारा वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, तो वो सी सी फ्लाई ट्रांसफर करती है। जो ट्राइपैनोसोमा क्रूजाई ये किसिंग बग्स या रिडुविक बग इससे ये जाके फैल सकता है, जबकि सैंड फ्लाई किसके लिए थी, लिशमेनिया के लिए थी, तो किसिंग बग या रिडुविक बग ट्राइपैनोसोमा क्रूजाई के लिए होता है जो शगास डिजीज करवा सकता है। रोमाना साइन ये डायग्नोस्टिक होता है फॉर ट्राइपैनोसोमा। ए मास्टिगोट अगर मैक्रोफेजिस के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो वो लिशमेनियासिस को इंडिकेट करेगा। टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉन्जेनिटल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। शिस्टोसोमा हिमाटोबियम ब्लेडर का कैंसर करवा सकेगा, क्योंकि ये वेन्स ऑफ ब्लेडर को ऑक्यूपाई करता है। टॉक्सोप्लाज्मा का जो मेजर रिजर्वायर होता है वो कैट्स होती है, बिल्लियाँ होती है। डाइफेलोबोथ्रियम वाइटमिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी करवा के मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवा देगा। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज करवा देगा, अगर ये सिस्ट रप्चर हो जाती है तो एनाफिलैक्सिस हो जाएगा और लाइफ खतरे में पड़ सकती है, डेथ हो सकती है। एस्कैरिस के बाइल स्टेंट लोबी एक्स देखने को मिलती है। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जिसको पिन वॉर्म बोलते हैं, इसको चेक करने के लिए स्कॉच टेप टेस्ट करते हैं, क्योंकि पेरिएनल स्किन के ऊपर एक्स जो फीमेल ले कर जाती है, ठीक है। जो एनसेरोस्टोमा डूडिनली और निकेटर अमेरिकन है, इनको हुकवाम बोलते हैं, ठीक हो गया, ओके। ये बेयर फुट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, उनकी एग सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। ट्राइचूरस ट्राइच्यूरा, ओके, ये पर एक और बात भी हो चुकी थी, रेक्टल प्रोलैप्स वाली, तो ये म्यूकाइड या ब्लडी डायरिया करवाता है, उसके अलावा रेक्टो इनल प्रोलैप्स भी करवा सकता है। नेक्स्ट है ओनकोसर्का वल्वुलस जिसको रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसका जो वेक्टर होता है वो ब्लैक फ्लाई होती है, तो BON बोंच या बोव, बोन से रट्टा मार लो, बोन से, बी से ब्लैक और ON
आ जाएगा ओनकोसर्का वल्वुलस, वो चेरिया बैंक्रॉफ्टी, इसका जो वेक्टर होता है वो मॉस्क्यूटो होता है, ठीक है। ट्राइच्यूरस ट्राइच्यूरा, इसके बैरल शेप बैग होते हैं जिसके बाइपोलर प्लाक्स होते हैं। रट्टा मार लो कौन कौन सी चीज़ें बात हुई है ट्राइच्यूरस के बारे में। रेक्टल प्रोलैप्स की बात की इन्होंने ट्राइच्यूरस के बारे में, ठीक है। और ट्राइच्यूरस का लिखा हुआ है ब्लडी डायरिया। और जो तीसरी चीज़ है इसकी एक्स बैरल शेप होती है, बाइपोलर प्लाक्स होते हैं। क्रिप्टोस्पोरिडियम, ओके तो क्रिप्टोस्पोरिडियम, इसका डायग्नोस्टिक ये है या लेबार्ट्री डायग्नोसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो स्टूल में एसिड फास्ट ओवोसाइट तो नहीं है, यानी ये भी एसिड फास्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की तरह बिहेव करता है। वो चेरिया बैंक्रॉफ्टी एलिफेंटियासिस करवा सकता है। साइक्लोस्पोरा एड्स वाले पेशेंट के अंदर डायरिया करवाता है। एकैंथोमाइबा केराटाइटिस करवाता है, यानी जो कैरेटिन होती है लेयर इन स्किन की इन्फ्लेमेशन होती है। एनसेफलाइटिस, एनसेफलाइटिस और एक और चीज़ भी थी एनसेफलाइटिस के अलावा, वो था कोरियोरेटिनाइटिस। ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की वजह से हो सकता था, और ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी करवा सकता है। एकैंथोमाइबा कॉर्नियल अल्सर भी करवा देगा। प्लास्मोडियम वाइवैक्स और प्लास्मोडियम ओवेल, इनका जो होता है मलेरिया तो इनको बोलते हैं टर्शियन मलेरिया, जबकि प्लास्मोडियम मलेराई का क्वार्शियन मलेरिया होता है। ओके तो उसको याद किस तरह से करना है, प्राइमा क्वीन का आपने नाम सुना होगा, प्राइमा क्वीन कुछ लग रहा है कि PMQ प्राइमा क्वीन के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि जो वाइवैक्स और ओवेल है OVT या TOV टू से रट्टा मार लो या वॉर्ड से रट्टा मार लो, VOT वॉर्ड से, ठीक है। तो जो वाइवैक्स ओवेल इनका टर्शियन मलेरिया होता है, जो फैल्सीपैरम होता है ये मलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया होता है। इस केस में बिनाइन होता है वाइवैक्स और ओवेल का, इसमें मलिग्नेंट होता है, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है। एंटमाइबा स्टोलिटिका और गार्डिया लैमलिया, इन ये ओफेकल ओरल रूट से ट्रांसफर होते हैं। एंटमाइबा स्टोलिटिका के केस में जो ट्रोफाजॉइड होते हैं, ठीक है, उन्होंने RBC को इंजेस्ट किया हुआ होगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है। एस्कैरिस का थिक शेल होता है। फिलेरियासिस वो चेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से होती है। ट्राइकोमोनास वजाइनलिस के केस में ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज प्रोड्यूस होती है। लिशमेनिया डोनोवानी की वजह से काला आजार होगा। ट्राइपेनोसोमा की वजह से, अगर क्रूजाई की वजह से, शगास डिजीज, ब्रूसाई की वजह से, ब्रूसाई में भी जेबेंसी रोडेंसी है या फ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस करवा देती है। टीनिया सोलियम के केस में इंटरमीडिएट होस्ट पिग होता है, जबकि टीनिया सर्जिनेटा का केस में इंटरमीडिएट होस्ट कैटल्स होती है। मिकानोकोकस के केस में इंटरमीडिएट होस्ट शीप होता है। डाइफेलोबोथ्रियम का जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो कॉपी पोर्ट्स और फिश दोनों होते हैं। टीनिया के एग्स होते हैं, उनकी कवरिंग होती है डबल ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, जिनको ऑन्कोसफेयर बोलते हैं। प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम के गैमेटोसाइट होते हैं, ये बनाना या किसम शेप होती है। हाइड्रेटेड सिस्ट, ये लीवर को, लंग्स को, ब्रेन को इन्वॉल्व करती है। गार्डिया लैमलिया, ये ट्रांसफर होता है इंजेक्शन ऑफ सिस्ट इन द फूड, सिस्ट को इंजेक्शन करने से फिकल ओरल रूट से। प्लास्मोडियम ये ट्रांसमिट होता है एनोफिलियस मॉस्किटो से, वो भी फीमेल वाली। हीमोपैरासाइट कौन कौन से है, लिशमेनिया, ट्राइपेनोसोमा और टॉक्सोप्लास्मोसिस LTT। प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम सेरेब्रल मलेरिया करवाता है। शाइजोंट एक्सोरिथ्रोसेटिक साइकिल के अंदर बनते हैं RBC के बाहर। जो शिस्टोसोमा मैनसोनी है ये मेसेंट्रिक वेन्यूल्स में जाता है बोवल की। प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम ब्लैक वाटर फीवर करवाता है। शिस्टोसोमा जैपोनिकम ये मेसेंट्रिक वेन्यूल्स में जाता है, ठीक है, ओके। वो मेसेंट्रिक वेन्यूल ऑफ बोवल है, ये मेसेंट्रिक वेन्यूल ऑफ रेक्टम है। इन शॉर्ट मैनसोनी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जैपोनिकम कोलोन तक चला जाता है, जबकि हिमाटोबियम है वो ब्लड तक जाता है। शिस्टोसोमा के केस में स्नेल इंटरमीडिएट होस्ट होता था। शिस्टोसोमा के केस में जो कॉजेटिव एजेंट है वो स्किन के अंदर एंटर होता है बाई पेनिट्रेशन बाई सरकारी है। पैरागोनिमस लंग्स को अफेक्ट करता है। क्लोनोर्किस लीवर को करता है, तो यहाँ पर लंग्स लिखा हुआ है। लोवा डेयर फ्लाई बैट से ट्रांसफर होता है, जबकि ब्लैक फ्लाई से जो ट्रांसफर होता है उसका नाम है वो चेरिया बैंक्रॉफ्टी, ओके, ब्लैक फ्लाई से। और मैंगो फ्लाई से जो होता है वो ट्रैंकुलस होता है, आई थिंक। ट्रिचिनिला के केस में जो मसल के अंदर इंसिस्टेंट लार्वे होती है, स्पेसिफिकली कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल, एंड काइलोस्टोमा ग्राउंड इच इसको बोलते हैं, एंड साइलोस्टोमा था वैसे ग्राउंड इच है। स्ट्रैंगुलाइट्स ये आउटो और हाइपर इन्फेक्शन में करवा सकता है एक इंडिविजुअल को खुद ब खुद, या सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्ट्रैंगुलाइट के केस में इयोजिनोफिलिया काफ़ी ज़्यादा सीवियर और शार्प होता है। लोवा लोवा के केस में जो वॉर्म्स होते हैं वो कंजक्टिवा के अक्रॉस क्रॉल कर रहे होते हैं, यानी वो आइस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ड्रैंकुलस के केस में जो वॉर्म्स होते हैं वो स्किन के अल्सर के अंदर नजर आते हैं, लेकिन इस केस में जो वॉर्म्स होते हैं ये कंजक्टिवा के ऊपर क्रॉल कर रहे होते हैं। ट्राइपेनोसोमा मैगाक्लोन और मैगाइसोफेगस दोनों करवा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूरॉन वगैरह को डैमेज कर देता है। टॉक्सोप्लाज्मा ब्रैडी टैकीजॉइड्स देखने को मिलते हैं टॉक्सोप्लाज्मा के अंदर। प्लास्मोडियम वाइवैक्स और ओवियल में शाफनर डॉट्स होते हैं, ये लेबार्ट्री डायग्नोसिस का पॉइंट है। ट्राइपेनोसोमा
सॉरी ट्राइकोमोनास वजेनालिस सीसी ट्रोफोजाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिस्ट फॉर्म होती नहीं है क्योंकि डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैल जाता है, और क्रिप्टोस्पोरिडियम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। एक और चीज़ भी थी यहाँ पर कि एड्स पेशेंट में डायरिया कौन करवाता है, वो साइक्लोस्पोरा था, जबकि एसिड फास्ट जो उसके थे वो साइक्लोस्पोरिडियम में थे, एसिड फास्ट ओवासाइट स्टूल के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और कुछ नया सीखने को या कुछ नई चीज़ रिवाइज हुई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।